टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी कोइन के बारे में बात करने वाले काफ़ी ह्यूज अपडेट्स है। गुड न्यूज़ है, इवन ये भी कह जा सकता है, क्योंकि बाइनेंस एल बैंक बड़े बड़े जो एक्सचेंज है वो सपोर्ट कर रहे हैं टेरा क्लासिक की जो नई ब्लॉकचेन है, जिसमें दोस्तों बर्निंग इंप्लीमेंट रहने वाली 1.2% टैक्स ट्रांजेक्शन वो इंप्लीमेंट होने का नोटिस मिल चुका है। इसी वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी क्या चल रहा है लूना कम्युनिटी के अंदर। हैशटैग एलयूएनसी बर्न तो ट्रेंड कर ही रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 दिन से मार्केट भी अच्छा खासा सही मतलब करेक्शन में दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दे रहा है मोस्ट ऑफ द अल्ट कॉइन। आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए दोस्तों 600 और लगभग ये 700% से भी ज़्यादा बढ़ गया था। जो मार्केट कैप है फुली डाउन वो भी 21% अप है, जो प्राइस है वो भी 21% से अप है। और प्राइस दोस्तों काफ़ी दिनों बाद एलयूएनसी का, हालांकि ऐसा 0.3010 and 9 की सीरीज़ में तो काफ़ी लंबे समय से साइडवेव कर रहा है, लेकिन 1112 तक काफ़ी मुश्किल से गया, जो कि पहली बार देखने को मिला है पिछले 3 महीने में अगर देखा जाए तो, लगभग 2 महीने सॉरी 2 महीने के आसपास ये हुआ है। सीधे सीधे अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सबसे बड़ी गुंडी से वही मैं आपको दिखा देता हूँ, बाइनेंस की तरफ से सीजेड बाइनेंस के सीईओ ने अपने ट्विटर पर भी ये चीज़ बोली है। और दोस्तों आप बाइनेंस एक्सचेंज का जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, नोटिस रिगार्डिंग द टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी नेटवर्क अपग्रेड। अब एलयूएनसी नेटवर्क में जो अपग्रेड होने वाला है तो जिन जिन एक्सचेंजेस पर भी एलयूएनसी लिस्टेड है वो सारे एक्सचेंज ये चीज करने वाले हैं, जैसे कि एल बैंक ने बोल दिया है, गेटआईओ ने, एमएक्स मैक्स ग्लोबल ने बोल दिया है, तो सारे एक्सचेंज वो करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी है दोस्तों, जो कि इनके ट्विटर हैंडल से ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, इनकी वेबसाइट पर जो टेरा लूना वेबसाइट है उनकी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये मेंशन है कि कुछ नई लिस्टिंग्स भी होने वाली, क्योंकि कई कई एक्सचेंज ऐसे भी थे जहाँ पर एलयूएनसी अवेलेबल तो था लेकिन ट्रेडेबल नहीं था, तो वो भी अब वापस से सब सही हो जाएगा, यानी कि सारे एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल हो जाएगा। तो भैया काफ़ी ऊपर इसका प्राइस जा सकता है, हाई अभी सिर्फ हाइप से ही इसका प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रीज़न ये है कि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो उसका अपग्रेड कंप्लीट हो चुका है, और वो दोस्तों आज और कल की डेट में, यानी कि आने वाला जो ये वीक रहने वाला है लगभग सभी एक्सचेंजेस पर इसका जो टेरा क्लासिक का जो नया अपग्रेड है ब्लॉकचेन का वो अपग्रेड हो जाएगा। जैसा कि इस पूरी पूरी की पूरी आप इसको पढ़ भी सकते हो, जैसा कि यहाँ पर एज द टेरा क्लासिक एलयूएनसी नेटवर्क अपडेट विल टेक प्लेस एट द टेरा क्लासिक ब्लॉक हाई, तो वो पूरा ब्लॉक नंबर ये है। आप इनकी जो ब्लॉक स्पोर्ट्स वाली जो वेबसाइट थी जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं पूरा कि इसका मतलब क्या है, ये प्रपोजल क्या था, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और इन्होंने बताया कि ये जो होने वाला है वो रहने वाला है विड्रोल वगैरह ये सस्पेंड करें, उसका रीज़न ये है दोस्तों ताकि जो एलयूएनसी का अपग्रेड है वो ऐसे कैसे ही हो जाए, बाकी ट्रेडिंग आपको चालू रहेगी, सिर्फ विड्रोल और डिपॉजिट ही बंद हुआ है। तो ये रहने वाला है मतलब 26/8 मतलब ये कुछ टाइम है, 1-2 घंटे तक रहने वाला है, मतलब काफ़ी स्पीड से जल्दी से हो जाएगा ये सारा कुछ, इतना कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट थोड़ी सी ही चीज़ अपडेट है जो कि है 1.2% टैक्स ट्रांजेक्शंस। हालांकि काफ़ी बड़ी चीज़ है, लुनाटिक्स कम्युनिटी काफ़ी लंबे टाइम से ये वेट कर रही थी, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ये गुड न्यूज़ देते हुए, क्योंकि फाइनली ट्विटर पर जैसा कि हम जानते हैं कि आज से कई दिनों पहले से भी ये चल रहा है कि ये ब्लॉकचेन अपग्रेड हो गई, ये हो गया इंप्लीमेंट हो गई, सब जगह हो गया, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था। पिछले 2 महीने की अगर बात की जाए तो सिर्फ एकमात्र ऐसा एक्सचेंज था कोइन इन, जिन्होंने विदाउट ब्लॉकचेन अपग्रेडेशन ही उन्होंने 1.2% टैक्स बर्न प्लान किया था, जिसमें उन्होंने दोस्तों लगभग 133 मिलियन टोकन बर्न भी कर दिए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, एक गजब का इनिशिएटिव लिया था कोइन इन एक्सचेंज ने, तो इसको उसका प्राइस भी मिला है क्योंकि इसके फॉलोअर यूजर भी बड़े होंगे ऑफकोर्स। लेकिन ये चीज़ अब ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि क्रिप्टो वर्ल्ड में होने वाली है, सारी जगह सभी एक्सचेंजेस पर होने वाली है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आने वाले कुछ महीने कितने गजब के इसमें रहने वाले हैं। जैसे कि आप बगल में भी देख सकते हो, यहाँ पर जैसा कि लूना क्लासिक हैशटैग लूना क्लासिक हैशटैग LUNC बर्न सारा का सारा ट्रेंड में चल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि टेरा क्लासिक के लगभग सारे कोइन्स पॉजिटिव में, चाहे वो इसका नया वाला कोइन हो चाहे USTC हो, सब अच्छा खासा पंप दिखा रहे हैं हर कोई, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इवन दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर कम्युनिटी की भी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड मचा रही है एलयूएनसी बर्न का। हो सकता है दोस्तों जैसा कि सीजेड बाइनेंस एलयूएनसी कम्युनिटी स्टे स्ट्रॉन्ग की बिल्डिंग लूना क्लासिक, तो ये वही अनाउंसमेंट जो मैं भी आपको दिखा रहा था उसी को दोस्तों वायरल कर रहे हैं, जो कि एकदम फैक्ट भी है, जेन्युइन है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया था कि लूनाटिक्स जो आर्मी है, जो लूना आर्मी है, वो कहीं ना कहीं कुछ फेक न्यूज़ भी फैला रही थी कहीं ना कहीं इसकी हाइप बनाने के लिए, लेकिन ये चीज़ एकदम एग्जैक्ट है, फैक्ट है, तो आपको थोड़ा इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, टाइटली होल्ड करके रखो। आने वाले महीने काफ़ी गजब के रहने वाले हैं एलयूएनसी के लिए, क्योंकि इसमें इसकी बर्निंग होने वाली है बैक टू बैक, वो भी ऑटो बर्निंग, जो कि काफ़ी बड़ी रहने वाली है। जैसा कि आप खुद सोचिए दोस्तों कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितने भी मेरे पोर्टफोलियो में टोकन्स हैं, ज़्यादातर जो ट्रस्ट वॉलेट होता था, जो वॉलेट्स होते थे डेक्स, उन पर ही ट्रांजेक्शन में बर्निंग होती थी ऑटो बर्निंग, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ पर भी बर्निंग होने वाली है, तो ये काफ़ी नया फीचर एकदम, और इससे इसकी प्राइस जो सप्लाई है वो काफ़ी स्पीड से रिड्यूस होने वाली है। तो फिलहाल ये था एलयूएनसी के रिगार्डिंग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए वीडियो को। फिलहाल के लिए था, बाय बाय, थैंक यू।